छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 32वें जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन किया है, जिसके बाद उन्होंने मंच से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन में कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर लोकार्पण भी किया है। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के बनने की और उद्घाटन की तारीख तय करने की कहानी बताई है। अनंत चौदस के बहुत बहुत बधाई और नवा जिला के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बहुत पुराना मांग रही से नवा जिला के, जब से बैकुंठपुर जिला मुख्यालय बनी से तेकर पहली से मनेन्द्रगढ़ जिला बनाए के यहाँ के लोगन में संघर्ष करत रही से और संघर्ष लगातार चलत रही से धरना प्रदर्शन यहाँ से लेके भोपाल दिल्ली तक रायपुर तक, तो कोनो दाढ़ी बना है कोनो दाढ़ी बढ़ाए तो कोनो और कुछ करे कुछ संकल्प ले, बहुत जन के संकल्प वर्षों बाद पूरा होइस। ओकर बर जैन मन जिला बनाए बर संघर्ष करेस वो सब ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और एकरे कारण आज दोनों जिला अस्तित्व में, एकर पहले सारंगढ़ है, खैरागढ़ है, मानपुर मोहला है, ये जिला मन अस्तित्व में आ गए और उकर सबसे पहले मरवाही जिला मरवाही गौरवला पेंड्रा अस्तित्व में 6 जिला अब तक के हमारे बन गए, 85 तहसील हमन बनाए, अनुभाग भी बहुत अकन बनाए।